यहाँ पे सामने मौजूद है सादकाबाद का रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन के ऊपर जो है ना इस वक्त को ट्रेन तो मौजूद नहीं है, लेकिन ये है रेलवे स्टेशन पूरा। तो यहाँ पर भी जो है वो डिफरेंट नाश्ते मौजूद हैं। तो मैंने सोचा कि चले आज आपको नाश्ते का रिव्यू देता हूँ, जिसमें हमारे पास एक स्पेशल डिश है। हो सकता है वो किसी को पसंद हो किसी को ना पसंद हो, तो मैंने कहा चले आपको उसका भी रिव्यू देते हैं। तो आपने मेरे साथ रहना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे मिलवाता हूँ एक जो है ना ये दुकान है दाता की नगरी के मशहूर चावल छोले सुबह का नाश्ता। ओए हो, तो अभी जो है ना ये चेक करें, कहते हैं ना गरीबा दी हट्टी, तो यहाँ पे जो है ना इनके पास इनकी छोटी सी एक सेटिंग मौजूद है और यहाँ पे इनका जो है वो ठेला मौजूद है जहाँ पे ये है ना ये अपना जो है ना वो बेच रहे हैं। तो अभी जो है ना इसके अंदर जो है वो मेरा ख्याल है चने चने हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, की हाल चाल है? ठीक है जी भाई जान। तेरा नाम की है? नादर हुसैन। नादर साहब कितना काम कर रहे हो? सानू 12 साल हो गए जी। 12 साल तो चने सुबह ते चावल छोले ते बेच रहे हो? हाँ जी, पाए भी बेचते हैं। पाए भी बेचते हो? ते केड़ी शायद वा तोड़े हाज टेस्ट केड़ी शायद वा, मतलब केड़ी शायद तुसी जबरदस्त बना लेंदे हो? भाई जान अपने को जेड़े आइटम है इंशाल्लाह कोशिश है सारे टेस्टी होंदे जी, चने भी पाए भी। अच्छा आज की स्पेशल बनाया तुसी? आज बकरे के ओजरी बनाई है। बकरे दी ओजरी बनाई है? हाय 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 क्या बात है। अच्छा ओजरी बनाने में कितना टाइम लगता है? 2 घंटे लग जाते जी। अच्छा तेरे वीआईपी साफ सुथरी करके फिर पकाई दिया जी, इंशाल्लाह 2-2.5 घंटे लग जाते हैं, बेहतरीन तैयार हो जाते हैं। पाया नु 2-3 3.5 घंटे लग जाते। अच्छा अच्छा पाया नु भी 2-4 घंटे लग जाते। हां जी मैं जरा दिखाना चने चला कैमरे का कलर है। देखो जी नाल नान भी इन्होंने नाल नान रखे है ते नाले आ इन्होंने चने आगे है। चने तुसी देखो कि इस वक्त जो है ना पतीला भर के पाया ने बनाया स्टेशन दे बिल्कुल नाल। आह गले हुए चने आए हाय 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 बिल्कुल पके हुए चने है माशाल्लाह। वाइट चने मौजूद ने भैन कोलों ते दूसरी तरफ इन्होंने प्याज भी कटिया पर सलाद तो कोई रह ना जाए। अच्छा आ आ वा आ ओजरी है ते ओए होए 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 बकरे दी ओजरी सुबह सुबह नाश्ते दे विच होवे क्या बात है। ते ओ दे विच की चीज है? चावल है खाली है फिलहाल। अच्छा फिलहाल खाली है लेकिन ओ दे विच चावल सीगे, ओ चावल जेड़े आ दोबारा इन्हां दे आ रहे हैं। सिंपल जिहा नाश्ता सस्ता नाश्ता ते रायत दे नाल नाश्ता इन्हां कोल मौजूद हैगा वा जिहड़ा जिहड़ा ए जिहड़ा ना उस कह रहे कि असी लोगों को जरा ना दिते है ताकि वो जरा ना खा सकन ते जरा ना सानू दुआ भी देन। ते कोई बंदा इतों भुखा भी नहीं जाता क्योंकि रेट दे विच मुनासिब कर लैंदे हैगे आ। टेस्ट अलहमदुल्ला बहुत अच्छा वा ते मैं भी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कर चुका वा। ते अच्छा जनाब साडे व्यूअर्स नूं कोई पैगाम देना चाहोगे? भाई हमारी तरफ से आपको दावत है, आप नाश्ता हमारा चेक कर सकते हो खा सकते हैं हमारी तरफ से मेहनत अजमत है। सुबह सुबह उठ के अपना पूरा नाश्ता बना के सैटअप लिया के काम करते है, मतलब मेहनत करते हैं तो कोई चीज मिलती है। अल्लाह पाक तुहाडे कारोबार च बरकता पावे जी। लेकिन इन्होंने चने तुसी खाने लई भुलना, नान भी उन्होंने मौजूद ने, खास तौर पर अज पकाई बकरे की ओजरी ओए होए 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 अज मैं कहना लंब भी काट दी जी, बहुत उमदा जी, कमाल हो गया, जबरदस्त शानदार जिंदाबाद। सादकाबाद में रहने वालों को तो इस चीज का पता होगा कि यहाँ पे जो है ना वो जाम के होटल की चाय बहुत मशहूर है। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ बिल्कुल जो है ना वो जाम होटल के बिल्कुल अपोजिट सामने। तो यहाँ पे भी वही वाला हिसाब है, सुबह का वक्त और नाश्ते रेडी हो रहे हैं, गर्मा गर्म पराठे साथ में जो है ना वो अंडे ऑमलेट और जो जो चीजें आपने खानी है आपकी डिमांड के मुताबिक आपको दी जाएंगी। हाय 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 पराठे का साइज चेक करें, ये 2 रोटियों के जितना तो एक पराठा लगाया हुआ है। वाह जी वाह क्या बात है, ऐसी है वो कह रहे हैं कि कस्टमाइज पराठा है। तो आप लोगों ने जब भी कोई खाना है पराठा तो जाम होटल, अच्छा उसका पेड़ा भी बहुत बड़ा हुआ है अगर देखें यहाँ पे तो माशाल्लाह से काफी बड़ा इसका पेड़ा भी किया हुआ, बड़ा पेड़ा तो बड़ा पराठा और छोटा पेड़ा और छोटा पराठा, साइज आप खुद चेक करें तो आजमाइश शर्त होती है। वाह जी वाह कमाल हो गया। दूसरी तरफ जो है ना वो आमलेट का जो है ना वो रेडी हो चुका है सामान, जिसमें अंडे प्याज टमाटर हरी मिर्च लाल सफेद धनिया और जाने क्या क्या मौजूद है। ओए होए 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 नाश्तों में जो है ना वो चस करवाने वाली जो है ना सबसे पहली चीज पराठा, दूसरी चीज अंडा, पूरियां हो जाए साथ में तो क्या बात है, चाय हो जाए, चाय और वो भी जाम के होटल की। हाय 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 मौलवी साहब दो पराठे लगा लो जी, पराठे जो है ना वो ऑर्डर्स के ऊपर रेडी हो रहे हैं गर्मा गर्म भाप के साथ। पराठे जो है ना वो ये 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 ये
खूबसूरती है, खूबसूरती है। स्टेशन के ऊपर आप अगर किसी बंदे ने आया, कोई भी शख्स यहाँ पे आया और जाम के पराठे नहीं खाए और चाय नहीं पी, तो समझ लें कि वो यारो मददगार चला गया वापस। क्या बात है जी, बहुत आला। घुमाना चेक करें, ब्राउन हो रहे हैं पराठे, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो कलर चेंज कर रहे हैं, और जो चीज कलर चेंज कर लेती है फिर वो खाने के काबिल हो जाती है। वाह जी वाह, क्या बात है, उम्दा, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, बहुत आला जी, बहुत आला। तकरीबन जो है ना वो पराठे तकरीबन अब रेडी हो गए हैं। तकरीबन माशाल्लाह से कलर इनका बहुत प्यारा है और खुशबू जो आ रही है ना वो बयान नहीं की जा सकती। तसल्ली से बना रहे हैं पराठे, आप ये देखें कि तसल्ली से, कोई टेंशन नहीं, कोई जल्दी नहीं, और ऐसे कुरकुरे से और ब्राउनिश किस्म के पराठे बन रहे हैं ना, तो बंदा परेशान हो जाता है कि यार ये पता नहीं ये क्या चीज है। वाह जी वाह, लुक आप इसकी चेक करें, माशाल्लाह से कितनी प्यारी है। और लें जी, पराठे चारों के चारों साइमल्टेनियसली रेडी हो चुके हैं और ये गए ऊपर, और आप इसकी फाइनल लुक चेक करें। और हाँ, ऑमलेट देसी किस्म का बड़े तवे के ऊपर बनेगा ना जब ऑमलेट, तो भैया घर वाले भूल जाओगे, यही तो जाम होटल की पहचान है। हाय 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 हाय, क्या बात है जी, बड़ा क्रिस्पी सा काम हो रहा है, और आप देखें कि माशाल्लाह धुएं जो है ना इस वक्त सिर्फ अंडे के आ रहे हैं, बस पराठे वाले खत्म हो गए हैं, वो इस तरफ हो गया और अंडा पराठे वाला जो है ना सीन कंप्लीट हो गया। हाय 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 हाय, क्या बात है, हल्की हल्की हरी मिर्च, हल्का प्याज, टमाटर, जब आप लोग इसको, ओए ये होता है तजर्बा, अंडा टूटे भी ना और चाहे 2 मीटर का हो पूरे का पूरा तवे के ऊपर आए। हाय 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 हाय, इसका ब्राउनिश कलर जो है ना वो वैसे ही जो है ना वो जान निकाल रहा है भैयान, भूख को डबल ट्रिपल कर रहा है। और अंडा जो है ना वो बन गया, बर्गर वालों आप ही सीखो। ले जी, अंडे रेडी हो गए हैं या जो भी हैं, और अंडा और पराठा पूरा कंप्लीट सेट। वाह जी वाह, कमाल हो गया, लेवल हो गया। यहाँ पे मौजूद है इनके पास चने, पराठे वहां पे बनवाए, अंडा बनवाए, साथ में चने भी ले लें भैयान, पूरा नाश्ता तो करें ना अगर करना है तो। वाह जी वाह, कमाल है जी, जबरदस्त। और अब बात करते हैं उस चीज की जिसकी शायद कोई बात ना करे, या करते होंगे तो ये चाय। हाय हाय, जाम के होटल की मशहूर चाय, जिसमें उनकी अपनी एक रेसिपी है, अपना एक प्यार है, अपनी ही एक पहचान है। तो ये देखें जी, ये देखें, ओए होए 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 होए। अच्छा, चाय ना सिर्फ यहाँ पे बैठ के पी जाती है बल्कि पैक होके भी जाती है, तो आपने ये देखना है कि इसकी डिमांड कितनी ज्यादा है। वाह जी वाह, वाह जी वाह, दूध के पतीले भरे आते हैं और भरे निकल जाते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई देर नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, जो चीज जिस तरह आती है उसी तरह वो निकल जाती है। क्यों? क्योंकि उसका इस्तेमाल काफी ज्यादा है, क्यों? उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। आपको मैं दिखा दूं तो इस तरफ जो है ना यहाँ पे बैठे हुए हैं मुसाफिर भी हैं, इनमें से लोग जो है वो सुबह सुबह के वक्त नाश्ते भी करते हैं, और सुबह सुबह के वक्त जो है ना वो अंडे पराठे, और साथ में जो है ना वो मोस्टली लोग यहाँ पे चाय पीते हैं। तो ये अभी तो इस वक्त जगह मौजूद है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, जैसे जैसे जो है वो ट्रेन वगैरह आएंगी, मुसाफिर बढ़ेंगे, जैसे जैसे यहाँ पर रश बढ़ेगा, रक्शे वाले, टैक्सी हजार, ड्राइवर वगैरह जितने भी आएंगे, फिर वो यहाँ से चाय पियेंगे और चाय पी के अपना दिन जो है ना वो यहाँ से गुजारेंगे, निकालेंगे, क्योंकि दिन निकालने के लिए इनका चाय का बहुत जरूरी हो सकता है। वो अभी जो है ना वो दूध और ऐड कर रहे हैं इसमें, और दूध ऐड करके जो है ना वो मजीद चाय बना रहे हैं। चाय के लिए रुकते नहीं है, हर वक्त चाय बन रही होती है, और यही इसकी खूबसूरती है, यही इसका कमाल का पन है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह जी नाश्ता करके देख देख के हमें लगी है भूख, हम भी अब चलते हैं घर और जाके करते हैं अच्छा सा नाश्ता। तो मेरे साथ रहना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलना। तो अभी जो है ना वो भैया मेरे साथ मौजूद है, इनसे पूछते हैं ये कब से चाय का काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। भैया क्या नाम है आपका? जाम अब्दुल रजाक। अब्दुल रजाक भाई कब से ये चाय वाला काम आप जो है वो कर रहे हैं? 25 साल से। 25 साल से चाय बना रहे हैं? नहीं तो आपकी चाय में क्या खास बात है? बस अल्लाह पाक ने हाथ में लज्जत दी हुई है, म्यार दे रहे हैं अपना काम करके। म्यार दे रहे हैं, आप देख सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि वो म्यार दे रहे हैं और उसमें जो है ना वो कोई दो नंबरी नहीं करते। तो चाय, अच्छा मैंने देखा कि सात का बाद में चाय बिकती है ना किसी की, वो आपकी है। तो ये सुना भी है, देखा भी है, रात के वक्त तो मेरे ख्याल जगह नहीं मिल रही होती। नहीं मिलती जगह रात को, ऐसा ही है। लालच नहीं कर दे, हम आठ ने कमाने हैं रुपया दो वाली लालच होती है ना। देखो मैं लालच करूंगा फिर एक चाय आपको खराब दूंगा, 10 बंदे को बताओगे, हम वो काम नहीं कर सकते। हम म्यार देंगे, हर वक्त जो है वो चाय बन रही होती है, म्यार दे रहे होते हैं। 25 साल से चाय का काम कर रहे हैं, 25 साल भाईजान, ढाई दहाइयां इन्होंने अब चाय में गुजारी है। तो ढाई दहाइयों के बाद अब जो है ना वो चाय इनकी बड़ी कमाल की है। तो चलिए चलते हैं, बहुत शुक्रिया सर अब्दुल रजाक साहब, आपका मेहरबानी सर। थैंक यू सर, जज़ाकअल्लाह। जाम टी स्टॉल आप देखें कि बिल्कुल हटके इसका लगा हुआ बोर्ड, लेकिन जहाँ पे जो है ना वो नाम बिकता है भाई जान, नाम अगर बाहर नाम ही लिखा हो तो फिर भी जो है ना वो चीजें चल जाती हैं। तो ये भी चाय के शौकीन बैठे हुए हैं और जाम की चाय के बड़े शौकीन है। अस्सलाम वालेकुम। जाम लोग बेवफा है, सुनो किसी में भी मुझे तलाश ना करना। ये जो है ना बेसिकली इस जगह को जो है ना वो संवारने वाले और इस जगह के जो है ना वो पायनियर वो ये हैं। तो अल्लाह इनको जो है ना वो जनरल फिरदौस में जगह अता फरमाए। तो थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि एक्सीडेंट हुआ था जिसमें जो है ना ये शहीद हो गए थे। तो ये जो है ना ये इन्होंने इस चाय की बुनियाद रखी। अब ये इनके छोटे भाई हैं जाम अब्दुल रजाक साहब जो चला रहे हैं, जाम गुलाम फरीद साहब जो है ना वो बहुत ही अच्छे नाइस शफीक इंसान थे। अल्लाह पाक जो है ना इनके दर्जात बुलंद करे और इन पर अपनी खैर करे। चाय जो है ना वो दादर बिक रही है, दूसरी तरफ जो है ना वो चने पराठे, भूखे लग रही हैं हमें भी। अब हम लोग भी जाके नाश्ता करते हैं, मेहरबानी आप सबकी और बहुत सारा प्यार।